पलक मुद्दा है अभी लाइट कम हो रहा है, पीछे ये प्लीज। मैम मास्क निकाल दो। मैम यो चीज में सेंटर में बोल रहे मुझे हां रोलिंग है एक मिनट। जस्ट जस्ट आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती है आप? रखती हैं आप मिर्ची बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज लॉकडाउन के बाद, पैंडेमिक के बाद फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। एंड आज आशिकी 2 को एल्बम ऑफ द डेकेड का नॉमिनेशन मिला है। एंड आशिकी 2 बहुत ज़्यादा स्पेशल एल्बम रहा है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी शुरुआत थी। एंड तब से अब तक की जो जर्नी है उसे एक्चुअली मैं रिलीव करने आई। आशिकी 2 की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत अब जो है 2021 में कौन कौन से ऐसे गाने से धमाका करने वाली है? मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में नॉर्मली से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं, बिकॉज़ मेरे घर पे स्टूडियो है तो बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं। एंड उम्मीद करती हूँ कि सारे गाने लोगों को इतनी पसंद आए जितनी आशिकी 2 आई। ऐसा अवार्ड जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है वो है लोगों का प्यार, ऑनेस्टली, बिकॉज हमेशा से जब से मैं छोटी थी तब से मुझे लोगों का एक्स्ट्रा वाला प्यार मिलता आया है फील, सो दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट स्पेशल। ओके, और क्या आने वाला है? बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट अभी जस्ट मैं रिकॉर्डिंग फिनिश करती आ रही हूँ, बहुत ही अच्छे गाने गाने को मिले हैं। एंड इस साल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लाइनअप है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। आपकी लगती है क्या क्वेश्चन है? हाँ, होपफुली मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। मैं मुझे फोबिया है एक्चुअली ड्राइविंग का, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा डर दूर हो। ये आउटफिट मेरी मामा ने डिज़ाइन की है, उनका खुद का लेबल है अमिता मुछाल, एंड शी हैज़ डिज़ाइन दिस। अगर आप फ्यू लाइंस अगर हम बता सके, चूँकि आशिकी 2 के लिए नॉमिनेशन है तो उसी का गाना गा लेंगे। तू ही ये मुझे को बता रे, चाहूँ मैं अपनी तू दिल का बता दे, चाहूँ मैं आना। थैंक यू जी।